ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीनय जैन और आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने MP3 जो है वो कट और ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप अपने जो गाने हैं वो रिमिक्स कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि शादियों में आप किसी और के पास किसी कंप्यूटर स्टोर पे जाते हैं और MP3 जो है वो मिक्स करके लेते हैं, हम गाने उनको बोलते हैं और वो हमें जॉइंट्स करके देते हैं। तो आज हम वो ट्रिक खुद करने वाले हैं अपने कंप्यूटर पे। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फ्री MP3 कटर एंड जॉइनर। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो लिंक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर URL में पेस्ट करना है, या फिर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है MP3 कटर एंड जॉइनर। वो सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर filehippo.com ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है हमें। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमें एरो दिख रहा है डाउनलोड का, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, हमने पहले से ये डाउनलोड कर रखा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। एंटर करके यस करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो हमने इंग्लिश चूज कर लिए। अब प्लीज वेट, सेटअप इज प्रिपेयरिंग। अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट का दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर गाइडलाइंस है, उसे एक्सेप्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आया है, वहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सी प्रोग्राम में, सी ड्राइव में इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर हमें कोई भी चूज करना है। महाराष्ट्र नेक्स्ट कर लेंगे। अब आपको ये जो है पूरे फॉर्म भर लेना है। अब फिनिश कर लेना है और यहाँ पर लॉन्च पर क्लिक कर लेना है। फिनिश होने के बाद यहाँ पर आपका जो MP3 कटर एंड जॉइनर है फ्री में, वो ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है MP3 कटर और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है MP3 जॉइनर। अब ये ऐड से क्या होता है, ऐड करने पर क्लिक करने के पर यहाँ पर ये बोलता है कि आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए। हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए, ये उड़ी उड़ी जाए गाना बज रहा है। अगर हमें इसे स्टार्ट से सिलेक्ट करना है, तो हमें स्टार्ट में ये जो बटन है यहाँ पर सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, उस पर क्लिक करना है। या अगर हमारा कोई भी अगर गाना बीच में से लेना है, तो यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, या फिर सुन के आप गाना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर अगर हमें कट करना है, तो एंड, यहाँ पर हमें कट करना है। ये दिख रहा है आप पावर बटन जैसे पड़ा दिख रहा है, स्टार्ट कट पर क्लिक करना है। क्लिक
करने के बाद हमें पहले फोल्डर सिलेक्ट करना होगा, फाइंड टारगेट ब्राउज़र। ब्राउज़र करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं या फिर नया फोल्डर बना सकते हैं कि मिक्स, और उसमें आप कट कर लेंगे। स्टार्ट कर, कट होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके करने के बाद यहाँ पर ओपन होगा हमारा गाना। अब आप देख सकते हैं जितना हमने कट किया था उतना ही हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग जो है वो सीख ली है। ऐसे ही आप जितने आपको गाने कट करना है उसके हिसाब से आप कट कर लीजिए। हम फिर से स्टार्टिंग का कट करेंगे। यहाँ पर सेट स्टार्ट पॉइंट, और हम यहाँ पर जॉइंट मतलब कट करना है एंड पॉइंट। हम यहाँ पर एंड कर लेते हैं, और हमने जो मिक्स फोल्डर जो है सिलेक्ट किया था हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, या फिर चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही फोल्डर में रख भी सकते हैं। हम वही फोल्डर में रखेंगे मिक्स में। अब स्टार्ट कट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड यहाँ पर हो गया है। अब आप देख सकते हैं, आप नाम भी चेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट फाइल है। यहाँ पर फर्स्ट हो गया है, और उसके आगे हमें ये लेना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो दो फाइल्स आप देख रहे हैं हम उसे रीनेम कर लेंगे। इसे फर्स्ट दे देंगे और इसे रीनेम करके सेकेंड। तो अब दोस्तों हमें फिर से MP3 कटर में जाना है, और यहाँ पर MP3 जॉइनर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक कर लीजिए, ऐड ऑडियो फाइल। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जो जिसमें फाइल से हमारी कट की हुई उस पर जाना है। हमने मिक्स पे की थी, तो दोस्तों हम मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ओपन करना है ऐड करके, सेकंड भी हमें ओपन पे क्लिक करना है। अब ये जो दो फाइल्स है यहाँ पर हो गई है सिलेक्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्शन का ऑप्शन है, फिर ये सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर हमें टारगेट भी ले सकते हैं कि हमें कहाँ पर डालना है। हम डेस्कटॉप पे डालेंगे कि पूरा जो सॉन्ग है मिक्स होके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मर्ज इनटू अ MP3 फाइल पे क्लिक कर लीजिए। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दो फाइल है वो मिक्स होके हो गई है। अब यहाँ पर देखिए नई MP3 1 नाम से जो जॉइन हुई है उस पर इंटर कर लेंगे। देखिए आप, ये देखिए हमारे जो दो गाने हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो ऐसे आप इजीली MP3 कटर और जॉइनर यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो गाना है खुद का वो बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।